तो आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन के या लॉजिकल फॉर्मूला के कुछ नए फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरली अगर आप एक्सेल 2013 तक यूज करते हैं तो आपके सामने आता है इफ एरर, इफ एनए, और आता है आपका और नॉट एंड एक्सऑर एंड इफ का फॉर्मूला। बट अगर हम बात करें 2016-19 एंड ऑफिस 365 में तो हमारे पास एक फॉर्मूला था आईएफएफ का, एक आता है आपके यहाँ पे स्विच का। दो नए फॉर्मूला है इसके बारे में जानते हैं। आपने बोला ना आईआईएफ, आईआईएफ फॉर्मूला नहीं होता है, आईआईएफ फॉर्मूला नहीं होता है, आईएफएफ फॉर्मूला इफ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कंपेयरिंग आपके साथ दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ सेल्स फिगर देते हैं। सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। क्या स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं? हेलो, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें स्लैब देना है 0 to 40, 41 to 80, 81 to 100। तो नॉर्मल इसमें आपने आप भी क्या करेंगे कि हर बार इफ लगाएंगे, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे मान लीजिए 500 दे दें, अगेन इफ देंगे इसको सिलेक्ट करेंगे कि लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो 1000 दे दें, फिर अगेन इफ लगाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे बोलेंगे अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2000 अदरवाइज 5000। इसमें आपने देखा कई सारे हमने इफ लगाए क्या, पर इसी को हम आईआईएफ से करेंगे। तो आईआईएफ इफ में हमें एक इफ लगाना है, लॉजिकल टेस्ट देना है कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो रिजल्ट देना है 500। उसके बाद मैं बिना इफ लगाए, इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है, बिना इफ लगाए मैं अगली लॉजिकल टेस्ट दे दूंगा कि लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 1000, फिर इफ लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसको सिलेक्ट किया और बोला अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो 1000 अदरवाइज 5000। 1000 दो बार आ गया, 2000 फिर हमने इसको, इसमें एल्स नहीं होता ऐसा, इसमें हमें ना होगा ग्रेटर देन 100 तो यहाँ पे 5000। तो इसमें हमें एक इफ लगाना पड़ा, सिर्फ एक इफ। ओके, हम लॉजिक से दिल जाए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उतने इफ उतने कंडीशन उतने ब्रैकेट, दिख रहा है ना सर? उतने ब्रैकेट बड़ा कंफ्यूजन, सही बात है। इफ जो होता है आई एफ एस क्या होता है कि उसमें आप लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि आप यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे देन वैल्यू दे, लॉजिकल टेस्ट देन वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट देन वैल्यू, ऐसे वन बाय वन देते चले जाओ। अब बोले जो इसकी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन डिफाइंड नहीं है, लेकिन इन सबों का काउंट, इन सबों कैरेक्टर का काउंट अगर 32,767 हो जाता है तो आपका फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एक सेल में वैल्यू चाहे फॉर्मूला 32,767 ही लेता है। हेलो, आप पूछिए सर। सर ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही। गुलदीप जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? सब तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, कौन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है? कुलदीप सिंह ने रिकॉर्ड कर पाया। आपका इंटरनेट स्लो है। चलिए, तो आईएफएस समझ में आ गया, इफ समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर।
उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो टॉपिक आता है स्विच का। इसमें जो अगली फॉर्मूला थी वो फॉर्मूला थी स्विच। ठीक है, स्विच में जैसे कि हमने अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि हर बार हमें कंडीशन मतलब ये देना पड़ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये है 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया स्विच का। स्विच हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि अगर ये 1 है तो रिजल्ट आना चाहिए मंडे, अगर ये 2 है तो रिजल्ट आना चाहिए ट्यूजडे, अगर ये 3 है तो रिजल्ट आना चाहिए वेनसडे। सेल की वैल्यू से ये लिंक्ड है, टू बी वैल्यू है। कंडीशन नहीं देते थे इक्वल टू लेस देन, ऐसा नहीं। आपको ये वैल्यू है तो आएगा, अगर 2 आया तो आएगा, 3 आया तो आएगा, 4 आया तो इस तरह से आएगा। ये टेक्स्ट में भी चलेगा सर, वर्ड एबीसीडी में भी चलेगा। जी जी जी, उसी यहाँ पे मैंने बोला कि 5 है, हाँ तो यहाँ पे आ जाए रिजल्ट 5 5 रिजल्ट 6 यहाँ पे रिजल्ट 6 तो सैटरडे 7 तो संडे, इस तरह। ओके, तो जो इसमें होगा वो आपको दे देगा। हालांकि इसके लिए हम लोग चूज का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? चूज का काम भी सेम होता है। चूज हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम देते चलेगा सैटरडे, अगर यहाँ पे मंडे ट्यूजडे। अच्छा 1 2 3 नहीं डालना है इसमें, सीक्वेंस नहीं चलता है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आ गया सर। पिछले क्या हुआ कि 1 अगर 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूजडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, इस तरह से आएगा सिक्वेंसली। बट इसमें क्या है कि आप अपना सिक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं कि 1 1 आए, 1 2 आए, 1 3 आए, या 50 आए, 60 आए, और जो भी नंबर देना है यू कैन डिसाइड हियर। बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी है, लास्ट में जैसे मैं कॉमा किया तो यहां दिख रहा है डिफॉल्ट और वैल्यू, दिख रहा है वैल्यू है, तो डिफॉल्ट मैंने डाल दिया ओके। मतलब इन चारों के अलावा कुछ भी होगा तो ओके आएगा, जैसे मैंने यहां कुछ डाल दिया तो ओके आएगा। तो आप यहां इसमें एल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि इसको वीवीए में मैंने 2013 तक वीवीए में था, 13 के बाद 16 से ये एक्सेल फॉर्मूला हो गया था। तो स्विच फॉर्मूला और आईएफएस फॉर्मूला समझ में आया जी? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ फाइल दिए थे आपको कुछ? नहीं सर, नहीं सर। चलिए, तो अब बारी आती है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसके क्वेश्चन को, क्योंकि आपने अभी तक कितना सीखा है ये मुझे पता कैसे चलेगा जब तक आप हमें कोई किसी तरह का फाइल किसी तरह की चीजें करके नहीं दिखाएंगे। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस भेज रहे हैं, लेकिन भेजने से पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन की हम बात करें
कि यहाँ क्वांटिटी है और मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है। कंडीशन क्या है कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो कमीशन जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 होना चाहिए पहले। दूसरी हेलो तो यहाँ हमारे सामने रिजल्ट, राइट। तो रिजल्ट में हमें देना है कि अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 देन पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ हमारा होता है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 200 हो तो इसके लिए अदरवाइज लोकल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा है कि टैक्स, अगर एमआरपी 500 हुआ तो 12% अदरवाइज 5% टैक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर ड्यूटी ग्रेटर देन 10 PM है तो ओटी अदरवाइज एनटी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 33 है तो पास अदरवाइज फेल। इसको इफ से भी करना है और एंड से भी करना है, एंड के साथ भी करना है और विदाउट एंड के साथ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम देना है, यहाँ पे ग्रेड देना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इंसेंटिव देना है इस स्लैब के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको स्टेटस में पेंडिंग और स्टेटस में ओके करना है। अगर टैन वाई है और इसमें से कोई एक है, मतलब तीनों में से कोई एक होना चाहिए और टैन तो होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुझे इसमें इंसेंटिव देना है बट इस स्लैब के अकॉर्डिंग। क्या जो 40 हुआ तो 20 रुपीज कोऑर्डिनेट, 41 हुआ तो 80 रुपीज कोऑर्डिनेट, 81 हुआ तो 100 हुआ तो 80 रुपीज, ग्रेटर देन 100 हुआ तो 50 रुपीज। जैसे मान लीजिए किसी ने 35 सेल किया तो 35 मल्टीप्लाई बाई 25, बट किसी ने 45 सेल किया है तो 40 उसने 20 रुपीज के हिसाब से किया है और 5 उसने 60 रुपीज के हिसाब से किया है। यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 60 एग्जाम्पल दिया हुआ, ये करना है। 11 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं सभी को। अपने में ईमेल आईडी बताएंगे क्या है? संजय गांधी 7131। गांधी संजय गांधी जी एन डी एच है, नहीं ये नहीं गांधी जी है, एन 7131@gmail.com। और बात जी आपका क्या है? टाइप कीजिए, आना चाहिए AWBAS। अब बात सिंगल है ना, डॉट AAS डबल AS डबल AS।
प्रवीण जी सर TKUMAR TKUMAR रफीक कुमार 22 नहीं नहीं सर TKUMAR.AMC dot mc amc no, at the rate gmail.com और उसके बाद है कमरान जी कुलदीप नहीं बाकी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ठीक है right, मैंने भेज दिया तो मिलते हैं कल सेम टाइम क्वेश्चन के आंसर के साथ गांधी जी रात को 9 बजे मिलते हैं थैंक यू हालांकि गांधी जी 2 अक्टूबर को ही मिलते हैं लेकिन आप रात को 9 बजे मिल सकते हैं ठीक है